नमस्कार दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल में आपका स्वागत है। आज है 1 नवंबर और आज के एडिटोरियल में बात करेंगे हाशिमपुरा मैसेकर के बारे में। देखिए, हाशिमपुरा मैसेकर यानी नरसंहार जो है ये काफी पुरानी घटना है, 1987 में हुई थी। 1987 ऑलमोस्ट 31 इयर्स एगो, 31 साल हो चुके हैं इसमें। और ये इस घटना में क्या हुआ था 1987 में, इसका 22 मई 1987 को ये एग्जैक्ट घटना हुई थी। उस दिन क्या हुआ था कि 45 लोगों को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी के थे, उनको एबडक्ट कर लिया गया था, अपहरण कर लिया गया था पीएसी जवान द्वारा। पीएसी होता है एक, जैसे जैप होता है ना, उसी तरह पीएसी जवान होता है, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी होता है। तो उन्होंने क्या किया था, अपने ट्रक में 45 मुस्लिम लोगों को एबडक्ट करके उनका कत्ल करके उनको शॉट डाउन कर दिया गया था, गोली से मार दिया गया था। और वहां पे दो नाले थे, 2 कैनल्स थे, वहां पे उनको फेंक दिया गया था। अब इस फेंक देने के बाद अब जब जांच हुई, कुछ सर्वाइवल रहे, कुछ बच गए उसमें से, जिनको फेंका गया था नाली में वहां कुछ उसमें से सर्वाइव कर गए। इसके बाद लोअर कोर्ट में ट्रायल चला, लोअर कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद इनको एक्विट कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। लेकिन फिर ये मामला हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में गया, दिल्ली हाईकोर्ट में इनको सजा मिली और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली इनको। तो इसी एडिटोरियल को हम बात करेंगे आज इस बारे में कि ये जो लॉन्ग डिलेड जो मामला चला है, ऑलमोस्ट 31 इयर्स लग गए इनको सजा देने में। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि ये जो डिले है और एंडिंग इम्प्योनिटी यानी दंड से मुक्ति या माफी जो इनको ये उम्मीद कर रहे थे, ये एंड कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। और दिल्ली हाई कोर्ट ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के भी इस मामले की थोड़ा सुनवाई की, इस बारे में भी कुछ पॉइंट्स को टच करेंगे। और बाकी कुछ नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन वाले। एंडिंग इम्प्यूनिटी, देखिए इम्प्यूनिटी मतलब होता है दंड से मुक्ति या माफी। तो ये अब दंड से मुक्ति और माफी एंड हो चुका है, चूंकि इनको सजा मिल चुकी है, सजा दे दिया गया है, तो ये खत्म हो गया कहानी ऑन हाशिमपुरा मैसेकर। और ये हाशिमपुरा नरसंहार की बात कर रहे हैं। हाशिमपुरा एक विलेज है जो कि मेरठ में है, दिल्ली के आसपास में है, दिल्ली से बगल में है मेरठ। दिल्ली हाईकोर्ट रिट्रीव्स अ लॉस्ट कॉज एंड कन्विक्स दोज बिहाइंड द हाशिमपुरा मैसेकर। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, रिट्रीव्स मतलब पुनः वापस करना, रिट्रीव्स का पुनः प्राप्त करना। अ लॉस्ट कॉज यानी जो खोया हुआ कारण था, खोया हुआ चीज था, उसको वापस रिट्रीव करके उनको कन्विक्ट किया, दोषियों को कन्विक्ट दोज बिहाइंड द हाशिमपुरा। कन्विक्ट मतलब दोषी ठहराया, दोज जो शामिल थे हाशिमपुरा नरसंहार में। ये दिल्ली हाईकोर्ट का एक रिमार्केबल केस है। द कन्विक्शन मतलब बता चुका हूं, जो दोष साबित हो जाते हैं उसको कन्विक्ट बोलते हैं। एक्यूज्ड होता है कि अगर आप पे आरोप लगा, देन यू आर एक्यूज्ड, अगर आपको कोर्ट ने सजा दे दी, देन यू आर नाउ कन्विक्टेड, तो ये है। और अगर आपको कोर्ट ने रिहा किया, दैट इज अ एक्विटल, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कन्विक्शन ऑफ 16 पर्सनल ऑफ द प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी फॉर द मैसेकर ऑफ मुस्लिम कमिटेड 30 इयर्स एगो इज अ रेयर इंस्टेंस ऑफ अ जस्टिस सिस्टम रिस्पॉन्डिंग टू द क्राई फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस। ये लंबा लाइन है काफी, यहां मैं लाइन बाय लाइन बताता हूँ तोड़-तोड़ के। द कन्विक्शन ऑफ 16 पर्सनल, ये जो 16 पर्सनल यानी एम्प्लॉई पर्सनल यानी कर्मी जो पीएसी के है, फॉर द मैसेकर ऑफ मुस्लिम कमिटेड 30 इयर्स एगो, मुस्लिमों का नरसंहार जो की जिन्होंने किया है 31 साल पहले, ये एक रेयर इंस्टेंस है, दुर्लभ उदाहरण है ऑफ व्हाट, ऑफ अ जस्टिस सिस्टम, ये न्याय तंत्र का एक दुर्लभ उदाहरण है। ये जो इनका 16 पर्सनल ने, 16 लोगों ने जो पीएससी के जवान थे, उन्होंने मैसेकर किया था मुस्लिम लोगों का कमिट किया था 31 इयर्स एगो, ये एक रेयर इंस्टेंस है,
जस्टिस सिस्टम का रेयर इंस्टेंस है, रिस्पॉन्डिंग टू द क्राई फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस। रिस्पॉन्डिंग टू द क्राई यानी क्राई फॉर मतलब होता है जिनको अ वे ऑफ सेइंग दैट यू नीड हेल्प, जो लोग न्याय के लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए जवाबदेही और न्याय के लिए मांग कर रहे थे उनको रिस्पॉन्ड किया गया है। इससे इनको जो कन्विक्शन हुआ 16 लोगों का, ये एक रिस्पॉन्स था न्याय तंत्र का इनको आफ्टर 31 ईयर्स ऑफ दिस केस। ये अपने आप में एक दुर्लभ उदाहरण है। बाय सेंटेंसिंग द 16 मैन टू इम्प्रिजमेंट, और इनको क्या गया, इनको सजा दिया गया, 16 लोगों को कारावास की सजा दी गई है फॉर द रिमाइंडर ऑफ देयर लाइफ, बाकी खुचे इनके लाइफ जितने भी बचे हैं उनमें इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दिया गया है। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज सिग्नल्ड एन एंड टू द इम्प्यूनिटी, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तरह सजा दे करके उनको उनकी माफी की जो पॉसिबिलिटी थी उनको संकेत दे दिया, खत्म कर दिया। दे हैड सीमिंगली एंजॉयड ऑल अलोंग ड्यू टू सिस्टमेटिक डिलेज, जो उन्होंने इम्प्यूनिटी जो एंजॉय किया है जैसा प्रतीत हो रहा, एंजॉयड ऑल अलोंग मतलब फ्रॉम द बिगनिंग यानी शुरुआत से जो उन्होंने मजा लिया है ड्यू टू सिस्टमेटिक डिलेज, जो सिस्टम में डिलेज है उसका उन्होंने शुरू से ही एंजॉय किया इस चीज को। एंड परफंक्टरी मतलब जो असावधानी और बेपरवाह से जो इन्वेस्टिगेशन हुए इन सभी का उन्होंने फायदा उठाया और मजा लिया है। तो ये सब एंड हो चुका है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्होंने इनको सजा दे दिया है लाइफ इंप्रिजमेंट का, जितने वर्ष बचे हुए इनके वो सारे अब कैद में रहेंगे, कारावास में रहेंगे। एन आवर आफ्टर सनसेट ऑन मे 22, 1987, 22 मई 1987 को सूर्य के ढलने के एक घंटे बाद अबाउट 45 मेन फ्रॉम हासिमपुरा विलेज नियर मीरठ इन उत्तर प्रदेश वर एबडक्टेड। क्या है, अबाउट 45 मेन 45 में आदमियों को हासिमपुरा गांव से जो कि मीरठ में है उत्तर प्रदेश, उनको एबडक्ट कर लिया गया, अपहरण कर लिया इन अ पीएसी ट्रक में। मोस्ट ऑफ देम शॉट, और उनमें से ज्यादातर लोगों को शॉट कर दिया गया, गोली से मार दिया गया। एंड देयर बॉडीज थ्रोन इनटू टू कैनल्स, और उनकी बॉडी को दो नालों में फेंक दिया गया, थ्रोन इनटू टू कैनल्स। दे वर एमंग मोर देन 600 पीपल राउंडेड अप बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस आफ्टर द ब्रदर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर वॉज किल्ड इन कम्युनल violence and two rifles were stolen by rioters from the PSC. देखिए क्या, they were among more than 600 people rounded up. ये 600 people मतलब जो PSC के जवान थे, almost 600 round करके बताया जा रहा, rounded up यानी ये कुछ round figure करके 600 बताया जा रहा, कुछ कम होंगे तो 600 rounded up कर दिया गया by the security forces after the brother of an army officer was killed। क्या है कि ये जो 600 वहां पे security forces के जो एक भाई है army officer के भाई मारे गए थे communal violence में मेरठ में। हाँ, ये जो मैंने बताया ये थोड़ा गलत बता दिया, इसको फिर से मैं करेक्ट करता हूँ, सॉरी फॉर दैट। देखिए क्या है, दे वर अमंग मोर 600 पीपल राउंडेड अप बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस आफ्टर द ब्रदर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर वाज किल्ड इन कम्युनल वायलेंस एंड टू राइफल्स वर स्टॉलन बाय राइटर्स। देखिए क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी यहाँ पे क्या हुआ, ब्रदर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर वहां मारे गए थे, एक सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया, ब्रदर ऑफ आर्मी ऑफिसर्स मारे गए थे कम्युनल राइट में, कम्युनल वायलेंस में, और दो राइफल जो चुराया गया था स्टॉलन बाय राइटर्स दंगाइयों के द्वारा, फ्रॉम होम फ्रॉम द पीएसी। देखिए फिर से बोलता हूं, पीएसी से दो राइफल चुराया गया था और एक आर्मी ऑफिसर के भाई को मार दिया गया था वहीं पे कम्युनल वायलेंस में।
तो इसके बाद क्या हुआ कि 600 पीपल वर देयर वर अमंग 600 मोर देन 600 पीपल, वहां पे 600 से ज्यादा लोग इसीलिए थे, राउंडेड अप मतलब गैदर्ड थे वहां पे, राउंडेड अप मतलब गैदर्ड थे वहां पे, जमा थे, एकत्रित थे 600 लोग. Security forces of the brother of army officer was killed in communal riots. They were among more than 600 people rounded up. देखिए क्या है कि they were कौन, जिन्होंने ये जो 45 लोगों को जो abduct किया गया था वो लोग कौन थे, वो लोग among more than 600 people, जो 600 लोग तैनात थे, rounded up तैनात थे यानी वहां पे एकत्रित थे, जमा थे, क्यों थे एकत्रित by the security forces after the brother of an army officer was killed, वहां पे security forces के द्वारा तैनाती थी, rounded up किया गया था, एकत्रित किया गया था more than 600 लोगों को, क्योंकि वहां पे एक सांप्रदायिक घटना हुई थी, कम्युनल वायलेंस हुआ था और दो राइफल को चुरा लिया गया था राइटर्स के द्वारा, वर स्टॉलन बाय राइटर्स फ्रॉम द पीएसी से राइटर ने दो राइफल्स को चुराया था और वहां पे कम्युनल वायलेंस हुई थी जिसमें एक आर्मी ऑफिसर के भाई की मौत हो गई थी. द सिक्योरिटी फोर्सेस आफ्टर द ब्रदर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर वॉज किल्ड, तो वहां पे 600 पीपल ऑलरेडी थे, उस मोर देन 600 पीपल गैदर्ड थे, उसमें से ये थे देवर एमंग मोर देन 600 पीपल, यानी जिन्होंने अबडक्ट किया पीएससी के जो थे, पीएससी ट्रक में जिन्होंने अबडक्ट किया था 45 लोगों को, वो कौन लोग थे, वो लोग वही लोग थे जो 600 लोग वहां पे राउंडेड अप थे मेरठ में, उन्हीं में से थे. ठीक है, तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. दे वर एमंग मोर देन 600 पीपल राउंडेड अप बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस आफ्टर द ब्रदर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर वाज किल्ड इन कम्युनल वायलेंस एंड टू राइफल वर स्टोलन बाय राइटर्स फ्रॉम द पीएससी. ठीक है, पीएससी के द्वारा दो राइफल को चुराया गया था और कम्युनल वायलेंस में वहां पे एक आर्मी ऑफिसर के बेटे की भाई की मौत हुई थी और वो लोग जो अबडक्ट किया वो लोग वहीं के 600 लोगों में से थे जो वहां पे राउंडेड अप थे, एकत्रित थे. द पुलिस लेटर एस्टैब्लिश्ड 38 डेथ बट कुड नॉट फाइंड द बॉडीज ऑफ 22 ऑफ देम. उन्होंने पुलिस ने जो 38 लोगों का डेथ को एस्टैब्लिश किया लेकिन उसमें से 22 की बॉडी को रिकवर नहीं कर पाया. The UP crime branch CID filed a charge sheet in 1996 against 19 PSC personnel. देखिए CID ने और UP crime branch ने charge sheet file किया 1996 में. Against whom? Against 19 PSC personnel. PSC के जो personnel है, कर्मी है, 19 लोगों को उन्होंने charge sheet में दाखिल किया. Including सुरेंद्र पाल सिंह, उनमें including सुरेंद्र पाल सिंह जो कमांडर ऑफ द सी कंपनी थे ऑफ द 41st बटालियन, 41वां बटालियन के कमांडर ऑफ द सी कंपनी थे सुरेंद्र पाल सिंह. इंक्लूडिंग इनको लेके चार्जशीट दाखिल किया 1996 में 19 पीएससी पर्सनल के खिलाफ. ये मेरे चैनल का नाम है और ये ग्रुप का लिंक है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ आना चाहते हैं तो. The prosecution case was backed by the testimony of the 5 men who survived being shot and thrown into water bodies. देखिए the prosecution जो है, prosecution case was backed by, समर्थन मिला, backed by मतलब मदद मिली, किससे, testimony यानी गवाही, of whom, of 5 men who survived, जो बच गए, 5 लोग की गवाही से मदद मिली और इस प्रोसिक्यूशन केस को आगे बढ़ाया गया, जिनको शॉट मारा गया था, गोली मारा गया था और थ्रोन इनटू वाटर बॉडीज, जिनको गोली मार के वाटर बॉडीज यानी जैसे दलदल हो या फिर कैनल हो, वाटर बॉडीज वहां पे फेंक दिया गया था, उनको वो बच गए और उनके गवाही पर ही ये केस आगे बढ़ा. In 2015, 2015 में, the trial court acquitted all the 16 available accused. 3 including the commander had died by then. और 3 including commander थे जो बाद में मर गए, उनका देहांत हो गया.
तो ये 16 अवेलेबल एक्यूज जो बचे थे, तीन तो चल बसे, तो तीन जो 16 अवेलेबल एक्यूज था उनको एक्यूट कर दिया गया था, एक्विट कर दिया गया था, सॉरी एक्विट कर दिया गया था, बरी कर दिया गया था, एज एज क्योंकि इट डिड नॉट हैव एविडेंस, क्योंकि सबूत नहीं था, ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द ट्रक और द पीएससी मैन ट्रैवलिंग ऑन इट, क्योंकि ट्रक के आइडेंटिटी का सबूत नहीं था और पीएससी मैन इसमें ट्रैवल कर रहे हैं इसका कोई सबूत नहीं था, इसके अभाव में उनको एक्विट कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। द एन मैस का मतलब होता है इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल डू समथिंग एन मैस दे डू इट टुगेदर एंड एट द सेम टाइम, यानी साथ में करना, ग्रुप एन मैस अगर करता है कोई तो ग्रुप में करना कोई भी काम और एक समय में करना। तो द एन मैस एक्विटल वॉज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। देखिए ये मैं इसको डिलीट करता हूँ थोड़ा देर के लिए और इसको भी डिलीट करता हूँ। अब पढ़ते हैं, द एनमैस एक्विटल वॉज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। ये जो एनमैस मतलब जो ग्रुप में यानी इकट्ठे इनकी जो रिहाई हुई सभी की, ये एक ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस था, जस्टिस के लिए दुखद भरा दिन था। और ट्रेवेस्टी मतलब मैंने अभी अभी मैं लिखता हूँ इसको, देखिए ट्रेवेस्टी मतलब होता है समथिंग दैट फेल्स टू रिप्रेजेंट द वैल्यू एंड क्वालिटीज दैट इट इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट इन अ वे दैट इज शॉकिंग और ऑफेंसिव। यानी जो जस्टिस का जो काम है और जो इसकी वैल्यू है, इसकी क्वालिटी है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाया इस केस में, इसीलिए इसको बोला गया ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। समझ गए होंगे, ट्रेवेस्टी का मतलब सिंपल में समझिए आप कि जो अपने वैल्यूज और क्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा सही तरीके से, और ये अपने आप में शॉकिंग हो और ऑफेंसिव है। लाइक मैं बताऊँ, अगर टीचर अगर अपने काम को सही से नहीं कर पाए तो क्या होगा, ट्रेवेस्टी ऑफ एजुकेशन होगा। तो ये वही चीज है, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। देयर वॉज ग्रेट कंसर्न दैट डॉक्यूमेंट्स दैट कुड हैव हेल्प्ड नेल द एक्यूज्ड हैड बीन वीटेड आउट। देखिए ये बहुत चिंता, एक सेकेंड, देयर वॉज ग्रेट कंसर्न यानी बहुत बड़ी चिंता की बात थी कि जो डॉक्यूमेंट्स दैट कुड हैव हेल्प्ड, जो वैसे डॉक्यूमेंट्स जो मदद कर सकते थे पकड़ने में या जकड़ने में एक्यूज्ड को, हैड बीन वीडेड आउट। यानी वीडेड आउट मतलब यहाँ पे वीडेड आउट का मतलब होगा कि वो उपलब्ध नहीं थे। टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड थिंग्स और पीपल फ्रॉम अ ग्रुप, यानी ये तो मीनिंग होता है वीडेड आउट का, लेकिन यहाँ पे क्या मीनिंग होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हेल्प कर सकते थे नेल द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को पकड़ने में, उनको जकड़ने में, हैड बीन वीडेड आउट यानी वो उपलब्ध नहीं थे। इट इज टू द क्रेडिट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट दैट इट वॉज नॉट कंटेंट विथ मेयरली एग्जामिनिंग द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट। यानी देखिए क्या है, इट इज टू द क्रेडिट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, ये दिल्ली हाई कोर्ट को क्रेडिट जाता है दैट कि इट वॉज नॉट कंटेंट विथ, कंटेंट विथ मतलब होता है कि टू डू और हैव समथिंग ऑल दो इट इज नॉट एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट। यानी होता क्या है, केसेस क्या होता है मैं बता दूं, जैसे कि अगर ट्रायल कोर्ट में जो चीजें आती है, ट्रायल कोर्ट से पहले हाई कोर्ट में जब जाता है केस, तो हाई कोर्ट सिर्फ ट्रायल कोर्ट में जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए जो चीजें हैं उन्हीं को सिर्फ वो देखती है हाई कोर्ट में। बट यहाँ इस केस में क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ ट्रायल कोर्ट वाले, ट्रायल कोर्ट में जो भी हुआ उस पे सीमित नहीं थी, उसके अलावा भी यही चीज बोला गया यहाँ पे कि कंटेंट विथ मेयरली एग्जामिनिंग द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट, वो इस बात पे सिर्फ केवल सीमित नहीं थे कि उसको एग्जामिन करना एविडेंस को जो कि ट्रायल कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। देखिए कोर्ट में कैसे कार्रवाई होती है वो मैं बता दूंगा थोड़ा सा,
कोई भी मामला आता है तो लोअर कोर्ट में होता है, लोअर कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी डॉक्यूमेंट तैयार होती है और वो फाइनली जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में फिर से वो कुछ होता नहीं है, फिर से सेम प्रोसीजर। हाई कोर्ट में सिर्फ वो देखा जाता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए, सही है कि नहीं, गलत है, वो सिर्फ उसकी एग्जामिन होती है, एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस होता है, एग्जामिनिंग द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट। तो ये सिर्फ इसी बात पे सीमित नहीं थी, दिल्ली हाई कोर्ट केवल इस बात पे नहीं सीमित थी कि हमें एग्जामिन करना एविडेंस को ट्रायल कोर्ट पे, इसीलिए यहाँ पे बोला गया कंटेंट विथ, ठीक है, एक्सेप्टिंग अ प्ली बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दलील को स्वीकार किया जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा डाला गया था। इट अलाउड एडिशनल एविडेंस, दिल्ली हाई कोर्ट ने एडिशनल एविडेंस को अलाउ कर दिया कि हाँ आप प्रोड्यूस करो एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट इवन एज द अपील वॉज पेंडिंग। देखिए क्या है कि एक्सेप्टिंग अ प्ली बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उन्होंने एक दलील को एक्सेप्ट कर लिया जो कि दाखिल किया गया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा। इट अलाउड एडिशनल एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड, दिल्ली हाईकोर्ट ने अलाउ किया कि अतिरिक्त जो एविडेंस है उसको भी रिकॉर्ड किया जाए बाय द ट्रायल कोर्ट इवन एज द अपील वॉज पेंडिंग, रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट, रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट ने जो भी एविडेंस रिकॉर्ड किया था उसके अतिरिक्त एडिशनल एविडेंस को भी अलाउ किया इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट ने। अपील जो अभी इवन एज द अपील वॉज पेंडिंग, अपील जो पेंडिंग में ही थी। द सी कंपनीज रजिस्टर्स, सी कंपनी का जो रजिस्टर है विथ रिकॉर्ड्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ पीएससी व्हीकल्स एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल प्रोवाइडेड द एविडेंस टू पिन पॉइंट बोथ द ट्रक दैट हैड लेफ्ट द पुलिस लाइन। क्या है कि तो सी कंपनी का जो रजिस्टर है वो विथ रिकॉर्ड्स ऑफ द, उसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स था, मूवमेंट ऑफ पीएससी व्हीकल्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल, पर्सनल कहाँ डिप्लॉय किया गया, प्रोवाइडेड द एविडेंस, ये एविडेंस प्रोवाइड किया टू पिन पॉइंट एनी वेरी एग्जैक्ट, टू फाइंड आउट द वेरी एग्जैक्ट बोथ द ट्रक एंड दैट हैड लेफ्ट द पुलिस लाइन। पिन पॉइंट मतलब ये साबित करने में मदद किया, फाइंड आउट करने में एग्जैक्टली कि उनका डिप्लॉयमेंट कहाँ था और ट्रक का मूवमेंट क्या था, पुलिस लाइन से वो निकली थी ट्रक वहां से तो उस रजिस्टर में मेंटेन थी। मेरठ एंड इट्स ऑक्यूपेंट्स, और इसमें जो ट्रक में मेरठ से निकली थी और इसमें जो ट्रक के अंदर जो सवार थे रहने वाले, दीज रिकॉर्ड्स वर नॉट अवेलेबल टू द ट्रायल कोर्ट, और ये कोर्ट में अवेलेबल नहीं था ट्रायल कोर्ट में ये रिकॉर्ड्स, तो इन रिकॉर्ड्स को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। अपार्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग होम, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, ब्रिंगिंग होम मतलब जो टू मेक समवन अंडरस्टैंड समथिंग मच मोर क्लियरली देन दे डिड बिफोर स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट, यानी ब्रिंगिंग होम का मतलब यहाँ पे क्या है, ये ब्रिंगिंग होम द कल्पेबिलिटी ऑफ द एक्यूज्ड, ये ऐसे समझिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं डिलीट करता हूँ इसको भी, डिलीट करता हूँ ये भी, डिलीट करता हूँ। अब पढ़ते हैं, अपार्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग होम द कल्पेबिलिटी ऑफ द एक्यूज्ड, यानी जो दोषी है, दोषी है उनको उनके दो कल्पेबिलिटी है, उनके जो कल्प उन्होंने जो किया है, कल्पेबल मतलब क्या होता है, जो दोष जो जो सजा के पात्र है उसको कल्पेबिलिटी बोलते हैं, कल्पेबल होते हैं, यूअर कल्पेबल बोलते हैं ना, यूअर कल्पेबल यानी सजा के पात्र है, जो सजा के जो पात्र थे जो दोषी उनको ब्रिंगिंग होम मतलब उनको सजा के दायरे में लाना, लाने के अलावा अपार्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग होम यानी जो कल्पेबल एक्यूज जो कल्पेबल थे उनको सजा के दायरे में लाने के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, द हाई कोर्ट कंक्लूडेड दैट दीज वर कस्टोडियल डेथ, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि ये एक कस्टोडियल डेथ है एज वेल एज टारगेटेड किलिंग ऑफ पीपल, और इसके अलावा जो टारगेटेड किलिंग है यह मर्डर है लोगों का फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी खास समुदाय के,
हाशिमपुरा मैसेकर केस विल बी लॉन्ग रिमेम्बर्ड। ये जो हाशिमपुरा मैसेकर केस है ये लंबे समय तक याद रखा जाएगा, बोथ फॉर द अनकॉन्स्टेबल डिले, यानी अत्यंत अनुचित रूप से जो देरी हुई है इसमें, द जुडिशियल सिस्टम हैज बिकम हैबिचुएटेड टू, जिसका जुडिशियल सिस्टम आदि हो चुका है डिले का, एंड फॉर द मैनर इन विच अ केस ऑलमोस्ट लॉस्ट हैज बीन रिट्रीव्ड बाय द हायर जुडिशरी। और एक ऐसे केस के रूप में इसको याद किया जाएगा जो ऑलमोस्ट खो चुकी थी, लॉस्ट हो चुकी थी, और इसको रिट्रीव किया गया हायर जुडिशरी के द्वारा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये दिल्ली हाईकोर्ट ने सिर्फ अपने को सीमित नहीं रखा एग्जामिन करने के लिए कि एविडेंस को एग्जामिन किया जाएगा, उन्होंने एडिशनल एविडेंस को भी अलाउ किया। और इसी के लिए यह याद किया जाएगा कि एक ये तो काफी लेट के लिए याद किया जाएगा इस लॉन्ग पेंडिंग केस के तौर पे, और जो इसको कैसे हायर जुडिशरी ने रिट्रीव किया इस केस को, इसके लिए भी यह याद किया जाएगा। इट इज ऑल्सो अ रिमाइंडर, ये एक याद कराने वाला चीज है, दैट देयर इज अ कॉन्स्टेंट नीड फॉर रीअश्योरेंस दैट पुलिसिंग एंड द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस इन द कंट्री विल रिमेन फेयर। और ये एक रिमाइंडर है लोगों के लिए, रिमाइंडर किया है कि हमें एक कॉन्स्टेंट नीड है, जरूरत है आश्वस्त करने की कि पुलिसिंग और क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस जो है वो कंट्री में फेयर रहे, निष्पक्ष रहे। ये एक रिमाइंडर है उसके लिए, एंड फ्री फ्रॉम ऑल मैनर ऑफ प्रेजुडिस, और किसी भी तरह के पक्षपात और पूर्व धारणा से आजाद रहे, स्वतंत्र रहे। तो ये पूरा एडिटोरियल खत्म होता है, होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ये मेरे चैनल टेलीग्राम ग्रुप है, इससे जुड़ के आप पीडीएफ पा सकते हैं, वहाँ पे सारे पीडीएफ मैं वहाँ शेयर करता हूँ। और इसके अलावा ये पीडीएफ इस दोस्तों के बीच में अपने शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, जहाँ तक नहीं पहुँचा कोई ऐसे दोस्तों जो इस इंग्लिश वगैरह पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास पहुँचाइए मेरे वीडियो को, बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कम से कम कमेंट करके बता दिया करो कुछ भी।